हेलो आप सभी का स्वागत है नवीन दिखे जी एस यूट्यूब चैनल पे तो आज आप लोग जान रहे होंगे बिहार आईटीआई का सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग रिजल्ट आने वाला है ठीक है तो आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को बिहार आईटीआई टी सेकेंड राउंड मेरिट लिस्ट 2024 डाउनलोड सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलाउटमेंट ऑर्डर जो है जल्दी से समझ लीजिए कैसे आप लोग जो है डाउनलोड करेंगे ठीक है और जो भी बच्चे के पास जो है व्हाट्सअप नंबर होगा डाउनलोड करके जो है सेकेंड राउंड का हमें भेज दीजिएगा ठीक है ओके तो जल्दी से देख लीजिए आप लोग जो है कैसे डाउनलोड कीजिएगा और जो भी नए छात्र होंगे हमारे चैनल पे तो फटाफट जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा जैसे कि कोई भी चीज़ मिस नहीं हो आईटीआई का कोई भी अपडेट मिस नहीं हो और टाइम पर सब कुछ जो है आप लोग को हेल्प मिल जाए ओके तो देखिए आप लोग को सबसे पहले बी के ऑफिशियल का वेबसाइट पे आइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पर जो है आपका लिंक एक्टिवेट होगा ठीक है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्या तो डाउनलोड जो है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलाउटमेंट ऑर्डर तो यहाँ पर सेकेंड राउंड सीट प्रोविजनल अलाउटमेंट लेटर जो है लिखा हुआ रहेगा उस पर जो है आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा इस तरीके से जब ओपन होगा तो आपको यूजर आई डी यहाँ पर लिख देना और जो पासवर्ड बनाए थे चॉइस फिलिंग करते टाइम उसको यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा और जो है सिक्योरिटी जितना भी ये यह सेम यहाँ पर जो है फ़िलअप कर दीजिएगा ठीक है और सेम जो है यहाँ पर भरने के बाद जो है साइनिंग पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो साइनिंग पे क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके से शो होगा तो इस तरीके से जब शो होगा तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा मोबाइल या ई मेल आईडी जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा उसके बाद एक पासवर्ड आएगा आपको यहाँ पर जो है कैप्चा फिलअप कर देना है और कैप्चा फ़िलअप करने के बाद जो है आपको लॉगिन हो जाना है और जो है लॉगिन होने के बाद इस तरीके से शो होगा इस तरीके से जब शो होगा तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर सब कुछ जो आप जितना ट्रेड जो है इसके होंगे सब कुछ दिखेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो है सीट अलाउटमेंट रिज़ल्ट पे जो है आप लोग को क्लिक करना होगा सीट अलाउटमेंट रिज़ल्ट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस तरीके से शो होगा तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर जो है अप्लीकेशन नंबर रहेगा आपका और यहाँ पर जो है राउंड टू लिखा हुआ रहेगा कौन सा ऑप्शन मिला है ये यह यहाँ पर मैंसन रहेगा कौन सा आपका जो है कॉलेज मिला है कॉलेज का नाम यहाँ पर मैंसन रहेगा प्रोग्राम नेम में देख लीजिएगा कौन सा ट्रेड आपको मिला है ठीक है और उसके बाद जो है आपका इधर रैंक शो होगा कौन सा रैंक से मिला है यहाँ पर देख लीजिएगा ठीक है उसके बाद आपका अलाटमेंट कोटा जो है होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा तो ये सब चीज़ जो है आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद जो है सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करना होगा सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑटो अपग्रेडेशन में नो करने का ऑप्शन दिखेगा ठीक है नो करने का ऑप्शन दिखेगा तो आप लोग जो है नो कीजिएगा उसके बाद जो है सीट अलाटमेंट लेटर पर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिए जिन बच्चों का इस तरीके से शो होगा तो समझिएगा जो आपका सेकेंड राउंड में भी जो है एडमिशन नहीं हुआ है यानी कि सेकेंड राउंड में भी जो है अलाउड नहीं हुआ है ट्रेड तो आप लोग को थर्ड राउंड के लिए वेट करना होगा और थर्ड राउंड कब आएगा तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का जो है सब कुछ प्रक्रिया ख़त्म हो जाने के बाद एडमिशन और हो जाने के बाद फाइनली उसके बाद जो सीट बचेगा उसका जो है वैकेंट सीट रिपोर्ट जारी किया जाएगा उसके हिसाब से फिर जो है आप लोग को विलिंगनेस सबमिट लिया जाएगा ठीक है और विलिंगनेस सबमिट लेने के बाद जो है एक पी निकलेगा जिसमें रोल नंबर सभी का मैंसन रहता है और उसके बाद जो है सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा जो कि पटना में होता है आप लोग का थर्ड राउंड का ठीक है तो थर्ड राउंड का जब भी होगा तो पटना में ही होगा लेकिन आप लोग का सेकेंड राउंड का भी आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में ही होगा जिनका भी फर्स्ट राउंड में आया है आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का जहाँ भी होता है सेम जगह ही डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होता है ठीक है लेकिन थर्ड राउंड जब होगा तो पटना आना होगा आप सभी को थर्ड राउंड में ओके तो जैसे ही आप लोग डाउनलोड कीजिए यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा ट्रेड मिला है ठीक है जैसे इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो एन आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर आई टी आई इंस्टीट्यूट नेम मैंसन रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा उसको उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको जो है नीचे आना है और जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा हो तो उसके बाद नीचे जब आइएगा ना तो यहाँ पर देख लीजिएगा रिपोर्टिंग सेंटर जो है कहाँ पर आए जैसे आई टी दरभंगा यहाँ पर जो भी आपका कॉलेज मेंशन होगा वहाँ कॉलेज पर जा कर के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा ठीक है और यहाँ पर देख लीजिएगा जो फीस जितना भी मेंशन है जैसे नौ सौ अस्सी रुपया मेन्सन होगा या सात सौ चालीस या सात सौ अस्सी जो भी मेंशन होगा तो आपको जो है बस उतना ही पेमेंट करना होगा ठीक है और सभी बच्चे जो है कैश लेकर के जाइएगा कोई भी दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर ड्राफ्ट लिखा हुआ है लेकिन आप लोग जो है कैश लेकर के जाइएगा एडमिशन सभी जगह कैश से हो रहा है कोई भी दिक्कत इस बार जो है नहीं आ रहा है ठीक है और यहाँ पर जो भी डेट मेंशन होगा उस डेट को जरूर से ज़रूर आप लोग जो है उपस्थित हो जाइएगा ऑटो अपग्रेशन में जो है नो करने का ये ऑप्शन आएगा अब जो है कोई भी यस और नो करने का ऑप्शन यस करने का तो ऑप्शन दिखेगा ही नहीं आपको नो करके ही डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड कीजिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी डेट दिया हुआ रहेगा उस डेट को जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही कराना है सभी छात्र को जो फर्स्ट राउंड में ऑटो अपग्रेडेशन यस किए होंगे वो भी छात्र जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना जो है कराएंगे क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट उनको ओरिजिनल रिटर्न कर दिया गया था तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रसीद जो है लेते जाइएगा आप लोग का जो है फाइनली वहाँ से एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप लोग कॉलेज जा कर के एडमिशन ले लीजिएगा ठीक है और देखिए हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा टाइम टू टाइम जो है जो भी चेंजेस होगा या कोई भी अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप लोग को सूचित कर देंगे वीडियो के माध्यम से ठीक है ऐसे संपर्क कर पाना पॉसिबल नहीं है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऑल आइकन ऑल पर जो है रख लीजिएगा बेल आइकन जिससे कि आप लोग का जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन और आप लोग जो है उस वीडियो को देख करके सब कुछ समझ लें डिटेल में ठीक है इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं हो कोई भी चीज़ मिस नहीं हो तो हमारा यही कोशिश रहेगा जो आप लोग का ज़्यादा भी रो... रैंक है तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो करके एडमिशन हो जाए क्योंकि पिछले बार फर्स्ट राउंड में जो है अभी इस बार ही छूट गया है काफ़ी छात्र का जो है फर्स्ट राउंड में हमने देखा है जो छूट गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब उनके पास किसी भी कारण बस छूट गया हो लेकिन तो उनको जो है थर्ड राउंड में आप जो है चांस दिया जाएगा इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान दीजिएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्त्री मुस्कुराते रहिए अपना ख्याल रखिएगा अपने परिवार का ख्याल रखिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद